हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 16th of July। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इन इंडिया विल होस्ट द 4th एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। आपसे पूछा जा रहा है, भारत का कौन सा शहर भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 4th ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह के बैठक की मेजबानी करेगा। आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, मुंबई, गोवा या बेंगलुरु। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आयोजन हाल ही में गोवा में किया जाएगा। सो 4th एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी विल बी हेल्ड इन गोवा ऑन July 19th and 20th दिस ईयर एंड दिस विल बी फॉलोड बाई द G20 एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन July 2022 विच वुड बी हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी श्री RK सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who will be the leading India's contingent at the World Weightlifting Championships? आपसे पूछा जा रहा है, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के दल का नेतृत्व तो कौन करेगा। आपके ऑप्शन हैं संजीता चानू, मीराबाई चानू, रेनू चानू या गीता रानी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी मीराबाई चानू। द टोक्यो 2020 ओलंपिक्स सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू विल लीड अ 5-member इंडियन कंटिंजेंट एट द वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप जिसका आयोजन किया जाएगा रियाद सऊदी अरब में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया हैज साइंड MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस टू बिल्ड स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन इन July 2023। आपसे पूछा जा रहा है, भारत ने जुलाई 2023 में स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आपके ऑप्शन हैं इसराइल, फ्रांस, रशिया या USA। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये समझौता किया गया है भारत और फ्रांस के मध्य। इंडिया एंड फ्रांस साइंड एन MOU फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 additional submarines अंडर द प्रोजेक्ट 75 प्रोग्राम एंड द स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैव एडवांस्ड स्टील्थ फीचर एंड आर इक्विप्ड विद लॉन्ग रेंज गाइडेड टारपीडोज एंड एंटीशिप मिसाइल्स। MOU की बात करें तो द MOU हैज बीन साइंड बिटवीन मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड एंड नेवल ग्रुप फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 additional submarines अंडर द P-75 प्रोग्राम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, चंद्रयान 3 मिशन विल एक्सप्लोर द नॉर्थ पोल रीजन ऑफ द मून। सेकेंड, इसरो लॉन्च द चंद्रयान 3 ऑन 14th of July 2023। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका सेकेंड स्टेटमेंट सही है जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। द विक्रम लैंडर ऑफ द मिशन इज एक्सपेक्टेड टू सॉफ्ट लैंड ऑन द सर्फेस ऑफ साउथ पोल रीजन ऑफ द मून ऑन अराउंड August 2023 or 2024 एंड चंद्रयान 3 मिशन विल एक्सप्लोर द साउथ पोल रीजन ऑफ द मून एंड दिस चंद्रयान 3 हैज बीन बिल्ट फॉर ₹615 crore। इंडियन रॉकेट LVM3 सक्सेसफुली लिफ्टेड ऑफ दिस 3,897 kg चंद्रयान 3 फ्रॉम श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश। तो
आप ध्यान रखेंगे चंद्रयान 3 मिशन एक्सप्लोर करेगा मून के साउथ पोल रीजन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2023? आपसे पूछा जा रहा है विश्व युवा कौशल दिवस 2023 का थीम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं स्किलिंग टीचर्स ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर, सेकंड स्किलिंग यूथ फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर, थर्ड यूथ स्किल इज नेसेसरी फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर, या फिर स्किलिंग द ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे का इस वर्ष का थीम है स्किलिंग टीचर्स ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे की बात करें तो इसको हर वर्ष 15th ऑफ जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। आपने थीम देखा, इस वर्ष की थीम है स्किलिंग टीचर्स ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर द ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर, और ये थीम हाईलाइट करता है द एसेंशियल रोल दैट टीचर्स ट्रेनर्स एंड अदर एजुकेटर्स प्ले इन प्रोवाइडिंग स्किल्स टू यूथ। एंड इन 2014 द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड 15th जुलाई एज द वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इज होल्डिंग अ सेमिनार ऑन द ओकेजन ऑफ जयंती ऑफ विच ऑफ दिस पीपल। आपसे पूछा जा रहा है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान इनमें से किस व्यक्ति की जयंती के अवसर पर एक सेमिनार आयोजित कर रहा है। आपके ऑप्शन हैं चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट या इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने जो सेमिनार कंडक्ट किया है वो सुश्रुत की जयंती पर कंडक्ट किया है। सो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ऑर्गेनाइज्ड अ सेमिनार ऑन द ओकेजन ऑफ सुश्रुत जयंती 2023 एंड द सेमिनार कमेंस्ड ऑन जुलाई 13 2023 एंड एंडेड ऑन 15th ऑफ जुलाई। सुश्रुत की जयंती की बात करें तो इसको हर वर्ष 15th ऑफ जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड टू ऑनर द सुश्रुत कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मेडिसिनल फील्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मैनी पीपल वर लिफ्टेड आउट ऑफ द पॉवर्टी इन इंडिया फ्रॉम 2005 and 6 to 2020-21 एज पर द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। आपसे पूछा जा रहा है बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार वर्ष 2005-06 से वर्ष 2020-21 तक भारत में कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। आपके ऑप्शंस हैं 215 मिलियन, 315 मिलियन, 415 मिलियन या 515 मिलियन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इस वर्ष के अंतर्गत 415 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड OPHI रिलीज्ड द लेटेस्ट अपडेट ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एंड इट रिवील्ड दैट इंडिया हैज़ विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन पॉवर्टी विद अ 415 मिलियन पीपल लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी विद इन अ स्पेन ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम 2005 and 6 to 2020 and 21। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।